हेलो एसेसरियंस, अभी एसेसर डेथ केस को लेके मैं जैसे सोचती हूँ वैसे और लोग सोचने लगे। अभी चाड़ापना चैनल पे मैंने देखा, उन्होंने बोला एक जादूगर के हरकत, उनको जो ट्रिक्स है उनका, वो ट्रिक्स को समझाते हुए बोला जो जो हमें दिखाया गया है, जो कुछ भी दिखाया गया है, चाहे वो दो दो डेड बॉडीज़ या जो एम्बुलेंस ड्राइवर ने जो पोस्ट किया था एम्बुलेंस और उसके ऊपर हेलीकॉप्टर, जो भी हो, ये सब खाली हमें दिखाने के लिए जादूगर जैसे हमको दिखाते हैं, जिस तरफ हमें बोलते हैं इस तरफ देखो, हमारी आँख उस तरफ ही जाते हैं और हम दूसरी तरफ नहीं देखते हैं, दूसरा हाथ से क्या कर रहा होता है। ये दूसरा हाथ हाथ का ही कमाल है, जो जो हमें दिखाई दिया वो सब फेक है। रूम में डेड बॉडी, तो डेड बॉडी के निशान हैंगिंग का नहीं मर्डर का, और मीतू सिंह जो बहन है उनके रिएक्शंस, ये सब देख के हमको लगा ये केस संदिग्ध है, ये केस मर्डर ही है। और संदीप सिंह भी वहाँ आए, जो थम्स अप किया, ये सब देख के लगा। एक्चुअली में क्या हुआ है, ये जो हमें दिखाई दिया ये उन लोगों ने जताना चाहता था ये मर्डर है, नहीं तो सब हमसे छुपाया जा सकता था, ऐसे वो उजागर नहीं करते क्या क्या हुआ था वहाँ। ये सब प्रेस वालों को, फोटोग्राफर्स को कुछ भी मैनेज करके ये दिखाया सकता था। जैसे उस दिन जो विटनेस ने बोला, जॉगर्स पार्क में 21 पुलिस ऑफिसर ने पार्टी की थी, वैसे ही किसी को पार्टी के लिए पैसा दे के भी मैनेज कर सकता था। मुझे लगता है जितना दूर संभव है SSR ने प्लान करके जहाँ देखा उसके लाइफ यहाँ खतरा है, जो फिल्म इंडस्ट्री में एक तो फिल्म इंडस्ट्री से के नेपोटिज्म और दूसरी बात जो उनको ड्रग दिया जाता था पानी में मिला कर भी कुछ भी करके, रिया चक्रवर्ती, तो इन वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो समझ गए उसके साथ उसके पीछे क्या क्या खेल हो रहे हैं, इसीलिए वो गायब हो गया। गायब होने से पहले सबको मैनेज किया, उसके ऊपर उनके फैमिली भी इतना कमज़ोर नहीं है, जो फैमिली में जीजा है, जीजा के बैच में थे वो परमवीर सिंह, तो एक बार एक दो बार उनके जो फार्म हाउस है जीजा वहाँ आके ये इम्तियाज़ खत्री से भी मिले थे, वो भी बात है। अभी बहन ने ट्वीट किया है CBI ग्रिल फॉर इम्तियाज़ खत्री। अभी ये लोग जो है, और जो विटनेस ने बोला था एक पोनीटेल वाला आदमी आया था, तो ये सब जो है ये सब हमें दिखाने के लिए किया गया था। एक्चुअल में जो विटनेस है उसी ने सब सच बोला है, उसी ने उस रात क्या क्या हुआ था देखा था, घर के अंदर लोग गए थे, सचिन बाजे गए थे, एक औरत भी आई थी, और दूसरी बात उन्होंने देखा बेलकनी से, सुशांत ने बाहर का नज़ारा देखा था, उसने गुड नाइट भाई भी बोला था। ये सब देख के मुझे लगा है, और जो एक आदमी जो दो, मैं बार बार बोल रही हूँ ये बात, दो सूटकेस एक बैग लेके निकला है मैंने सवेरे सवेरे, तो यही बात है। तो वहाँ से ही सुशांत ने ही सब मैनेज करके, सब अपने चीज़ों के समझ के, जो जो बिलोंगिंग्स है, जो जो चाहिए इम्पोर्टेंट चीज़, वहाँ से लेके वहाँ से चले गए। और दूसरी बात है, मुझे बोला गया है, मैं भी एक चैनल पे जाके देखा, वो जो परिणीति चोपड़ा की गाड़ी है, फ्रेंड की गाड़ी या किसकी गाड़ी वो इस्तेमाल किया करती थी, वो गाड़ी वहाँ घर के आगे थी 3 महीना, घर के आगे वो गाड़ी थी। तो वही बात है, वो गाड़ी क्यों है, और CBI को बाद में ये पूछताछ क्यों, CBI ने क्यों पूछताछ नहीं की। तो परिणीति चोपड़ा ये यहाँ पे
फ्रंट लाइन पे कभी नहीं आए। तो यही बात है, जो जो सुशांत के अच्छे दोस्त थे उन लोगों ने हेल्प किया है। वो गाड़ी इस कारण रखी होगी, जो मुझे किसी ने मेरे चैनल पे ही कमेंट किया था, कोई चिप वगैरह जो कोई कैमरा वगैरह गाड़ी में थी शायद, तो चिप अगर थी तो कैमरा था तो ये सब भी रिकॉर्डिंग हो सकते हैं, उस घर में कौन कौन आता है, क्या क्या हुआ था, या उस टाइम जिस टाइम ये घटना हुई थी उस टाइम क्या क्या सिनेरियो था, ये देखने के लिए भी वो गाड़ी वहाँ रख सकती है। तो ये परिणीति चोपड़ा, श्रद्धा कपूर, फिर हुए हैं रिया चक्रवर्ती और अंकिता लखनवा, तो मेन है, वो बेस्ट फ्रेंड है सुशांत के, संदीप सिंह, ये सब ने सुशांत को हेल्प किया। और मीतू सिंह को जब हम बार बार ये सस्पेक्ट करते हैं, मीतू सिंह अगर इसमें इन्वॉल्व है, उन लोगों को क्या दिखाना था, हैंगिंग। तो हैंगिंग में जो मार्क है गले के ऊपर से होता, गले के ऊपर होता, नीचे नहीं होता, तो इसके फोटो मीतू सिंह ने अपने मोबाइल फ़ोन से लिया था गले के मार्क से। अगर वही संदिग्ध है, वही ये दिखाना जताना चाहते हैं, तो वो क्यों दिखाएगा, क्यों जताएगा कि सुशांत का मर्डर हुआ है, ये हैंगिंग नहीं है। तो यही बात है, एक्चुअल में सब जानते हैं वो सुशांत वहाँ से गायब हो गया है, कोई मर्डर हैंगिंग कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं टॉर्चर हुआ था। वो जो दूसरी बॉडी है वो शायद सुशांत सदाशिव खेमकर का है, उसका आता पता क्या है, ये सब सीबीआई हमको बोलेंगे क्या, जो शिवसेना के कर्मी थे, वो जो सचिन बाजे को इन्वेस्टिगेट किया है, सचिन बाजे ने ही उसको मारा है या क्या क्या है, हमको बोलेंगे क्या सीबीआई। और दूसरी बात है, वो जो विवो आनंद जी के चैनल पे मैंने देखा, किसी ने बोला है फैन पे फिंगरप्रिंट लिया है कि नहीं, फैन को पकड़ के रस्सी जो बांधते हैं वो रस्सी नहीं बांधने से भी होगा, फैन को नहीं पकड़ने से भी होगा, क्योंकि ये मैं डायरेक्ट विटनेस हूँ एक केस का, तो वहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट नहीं था। तो वहाँ एक फैन के जो ये है रस्सी, कपड़ा जो बांधा गया थे वो फैन पे थ्रो करके दूसरा छोर जो है वो नीचे लाके दोनों को एक साथ करके वो गट वो बंद दे सकते हैं, फैन को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक लाइव केस से मैंने लिया है। और वही है, डॉक्टर भूपेश ने, फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है, मैं पहले से फॉलो करती रही, उन्होंने सच बोला है, सब हमको दिखा दिया है, जे वो जो चोर था ऊपर फैन में बांधा हुआ, उसका इतना ऊपर नहीं काट सकते हैं। लोग क्या करते हैं जनरली, जब हैंगिंग होते हैं तो उसका जो गले के साथ ही, गले के सामने ही काटते हैं, क्योंकि उसको बचाना पड़ता है, तुरंत सोचते हैं कैसे नम उसको ऊपर से नीचे उतारूं, कैसे उसको बचाऊं। तो वही हैंगिंग के यहाँ भी, यहाँ ही काटते हैं, ऊपर जाके फैन के यहाँ नहीं काटते हैं। तो वो जो कपड़ा था, कपड़ा पीछे काटा गया है, गले के पास नहीं काटा गया, ठीक है, काटा गया है वहाँ, तो गले से जो निकाला, गांठ जो खोल के निकाला, वो कपड़ा कहाँ गई? तो वहाँ इतने में जब पुलिस आ गए थे, तुरंत आ गए थे, कोई कपड़ा छुपाने का ये नहीं करता, लेकिन कपड़ा फॉरेंसिक के लिए तुरंत भी नहीं भेजता, वहाँ कपड़ा गिरा रहा होता, लेकिन यहाँ पे हमें वीडियो पे कोई दूसरा चोर नहीं दिखा, गिराया नहीं। तो यही बात है, ये दूसरा चोर तुरंत किसी ने हटाया। अभी ये तो हैंगिंग का जो ये था, नरेशन था, वो तो पूरा फ्लॉप ही निकला। दूसरी बात, सिद्धार्थ पिठानी ने जो जो किया था, हमें उनको देख के ही लगा वो बहुत नर्वस था। तो वही है, उस रात को जो जो हुआ था, सुशांत के बेडरूम में सुशांत है था, और दूसरा जो गेस्ट रूम है वहाँ ये एक सेट बना कर शूटिंग के लिए रखा था, तो सुशांत अपने बेडरूम से बेलकनी में भी आया था। तो यही बात है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें सब हिंट्स दिया गया
और ये मर्डर केस को कन्वर्ट करने के लिए इन लोगों ने ही ये प्लानिंग किया, ताकि हमको लगे, हम सीबीआई को लगे हम इसके पीछे पड़े। सीबीआई से भी कुछ भी नहीं निकला अभी तक। तो यही बात बोलती हूँ, तो मर्डर किसका हुआ था? सुशांत सदाशिव खेमकर का, और एक दूसरी बॉडी किसकी थी? तो सुशांत सिंह राजपूत तो पहले ही निकल गया था, जब सवेरे सवेरे उनके जो चीज़ें हैं सूटकेस वगैरह लेके गए थे उसी टाइम वो निकल गया था, क्योंकि रात को भी वो रिया को घर पे छोड़ के आया था, रात को ही। तो रिया भी आई थी वहाँ, सभी ने सब प्लान करके अपने अपने घर चले गए, उसके बाद सुशांत निकल गए, और उसके बाद जो ये ड्रामा क्रिएट किया गया। आप लोग क्या सोचते हैं बोलिएगा, मैं अपनी राय रखी। आप लोगों के राय जानना चाहती हूँ। सुशांत सिंह राजपूत।